अस्सलाम वालेकुम, फिफ्थ क्लास, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 4, द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 to 9 एंड वर्क पेज। लेट्स गेट स्टार्टेड। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर सम ऑफ द रीजन्स व्हाई पीपल एक्सप्लोर। रीजन्स बताएं, लोग एक्सप्लोर क्यों करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, उनको पहचानते क्यों हैं, क्यों उनके बारे में कॉन्शियस रहते हैं जानने के बारे में। सम एक्सप्लोरर्स वांटेड टू फाइंड आउट मोर अबाउट द वर्ल्ड, कुछ दुनिया के बारे में फाइंड आउट करना चाहते, दुनिया को जानना चाहते थे। एंड सम एक्सप्लोरर्स वेंट इन सर्च ऑफ वेल्थ एंड लॉग्ड फॉर लैंड, कुछ जो थे दौलत की तलाश में निकले और ज़मीन की तलाश में निकले। मिनरल्स, ऑयल फील्ड्स, स्पाइसेस एंड अदर रिसोर्सेज, मिनरल्स, ऑयल्स और दूसरे रिसोर्सेज फाइंड आउट करने के लिए, ताकि वो हमें कहीं ना कहीं से मिलें और हम उनको हासिल कर सकें। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ओशन गोइंग एक्सप्लोरर। ओशन गोइंग जो एक्सप्लोरेशन हुई, उस पीरियड को क्या नाम दिया गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ ओशन गोइंग एक्सप्लोरेशन इज नेम्ड एज द एज ऑफ डिस्कवरी, इसको एज ऑफ डिस्कवरी का नाम दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ इब्ने बतूताज बुक, इब्ने बतूता की बुक का क्या नाम है। द नेम ऑफ इब्ने बतूताज बुक इज रिहाल द ट्रेवल्स, इसकी बुक का नाम है रिहाल्स ट्रेवल्स। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ डिड वास्को डी गामाज एक्सप्लोरेशन हेल्प पुर्तगाल। वास्को डी गामा के एक्सप्लोरेशन ने पुर्तगालियों की इस तरह मदद की, बाय हिज डिस्कवरी पुर्तगाल एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज बिकम लिंक्ड टू एशिया एंड द इंडिया सब कॉन्टिनेंट बाय सी। इसकी जो डिस्कवरीज थी उससे एशिया और इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट के साथ यूरोप और पुर्तगालियों का जो था एक रास्ता बन गया सी के, समंदर के रास्ते। हिज डिस्कवरी ऑफ सी रूट ओपन द वे फॉर एन एज ऑफ ग्लोबल इंपीरियलिज्म, और इसकी जो सी रूट की डिस्कवरी थी इसने रास्ता जो था वो बनाया पूरी ग्लोबल जो थी पूरी दुनिया की जो थी इंपीरियलाइजेशन का। इन व्हाट वे वाज नील आर्मस्ट्रांग्स मिशन टू द मून अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर मैनकाइंड। नील आर्मस्ट्रांग का मून तक सफ़र करना इंसानों के लिए किस तरह से एक माइलस्टोन की अहमियत रखता है। नील आर्मस्ट्रांग्स जर्नी टू द मून वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द क्वेस्ट टू डिवेल्प ओवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। नील आर्मस्ट्रांग का जर्नी जो था मून की तरफ, ये बहुत मुतासिर है हमारे लिए यूनिवर्स की नॉलेज को हासिल करने के लिए। वर्क पेज है डैश द एरिया विद इन द आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के दरमियान जो एरिया उसको आर्कटिक ओशन कहेंगे। द एरिया विद इन द एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल के विद इन जो है वो एंटार्कटिक ओशन है। डैश पीपल ऑफ द आर्टिक, आर्टिक के पीपल को क्या कहते हैं, इनिट। स्पेशल बोर्ड्स मेड ऑफ एनिमल स्किन्स यूज बाय द पीपल ऑफ द आर्टिक, आर्टिक के जो लोग हैं वो बोर्ड्स बनाते हैं जानवरों की स्किन से, उसको क्या कहते हैं, कयाक्स। डैश अ स्पेशल कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सट्रीम कोल्ड अफेक्टिंग द हैंड्स एंड फीट, बहुत ज़्यादा सर्दी में हाथों और पाँव को और फेस को जो कंडीशन आ जाती है वो क्या कहलाती है, फ्रॉस्ट बाइट। फिल इन द ब्लैंक्स, डैश वॉज द फर्स्ट ग्रीक एक्सप्लोरर टू रीच द आर्टिक, आर्टिक तक पहुँचने के लिए जो पहला ग्रीक एक्सप्लोरर था उसका नाम क्या था, पाइथियास। द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल्स वॉज इन डैश, कब पहुँचा था साउथ पोल की तरफ पहला आदमी, 1911 में। द फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल्स वॉज इन डैश, फर्स्ट मैन जो था वो नॉर्थ पोल की तरफ जब किस ईयर में गया था, 1909 में। टूडे डैश इज स्टिल इन अनहैबिटेड, कौन सा इलाका है जो अभी भी अनहैबिटेड है, वहाँ कोई रिहाइश नहीं कर सकता, कोई नहीं रह रहा, एंटार्क्टिका। देर आर नो पेंगुइन्स इन द डैश, कहाँ पे पेंगुइन्स नहीं है, आर्कटिक। नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून ऑन डैश 20 जुलाई 1969 को, वो मून पर उसने लैंड किया था। मिशन डैश वाज आर्मस्ट्रांग्स फर्स्ट स्पेस फ्लाइट, फर्स्ट स्पेस फ्लाइट जो थी आर्मस्ट्रांग की स्पेस में जब वो गया था पहली दफ़ा, उसका क्या नाम था, जेमिनाई 8। डैश कंट्रीज अवॉर्डेड नील आर्मस्ट्रांग मेडल्स, नील आर्मस्ट्रांग को कितनी कंट्रीज ने मेडल्स दिया, 17। मार्को पोलोज फादर वाज अ डैश, मार्को पोलो के फादर कौन थे, मर्चेंट थे, ताजिर थे। मार्को पोलो रिटर्न्ड होम आफ्टर डैश ईयर्स, मार्को पोलो कितने साल बाद घर वापस आया, 24। वास्को डी गामा वाज फ्रॉम डैश, वास्को डी गामा कहाँ से था, पुर्तगाल से, ही डाइड इन डैश, और वो कहाँ उसकी डेथ हुई, इंडिया में। इसको यहीं पर पॉज कर लीजिए, ये सारी फिलअप कर लीजिए। ओके, डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक एंड वर्क पेज ऑन योर बुक, लर्न द कम्प्लीट वर्क। इन क्वेश्चन आंसर्स का आपने अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है और वर्क पेज को अपनी बुक पर आपने सॉल्व कर लेना है और इस कम्प्लीट वर्क को आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।